सर, चिट्ठी की बात करते हैं, कई चिट्ठियां जो है वायरल हो रही हैं। पंजाब बठिंडा जेल से भी एक इंटेल आया था कि खतरा है गोगा मणि जी की जान को। राजस्थान पुलिस के पास भी इंटेल था, खतरा है गोगा मणि जी की जान को। उसके बाद भी एक्शन नहीं, आपको लगता है इसके पीछे कुछ सुसंयोजित कुछ प्लानिंग? 2015 से जब से करणी सेना के वो प्रदेश अध्यक्ष बने थे, उस टाइम से हमने शेखावाटी में 7 दिन का इनकी सुरक्षा मांगने के लिए अनशन किया था, और माननीय राजेंद्र सिंह जी गुड्डा ने हमारा अनशन तुड़वाया था झुंझुनू में। तब से हम ये मांग कर रहे हैं कि उनको सुरक्षा दी जाए। राजस्थान सरकार ने उनको सुरक्षा नहीं देने के कारण आज हमारा भाई आज हम सबको बीच में छोड़कर चला गया। तो ये चूक थी इंटेलिजेंस की, इनका इनपुट था। सब जगह हम ज्ञापन देके उनसे एसपी और प्रसार कलेक्टर से मांग की थी, उसके बाद में भी आज तक हमें सुखदेव जी की सुरक्षा नहीं मुहैया कराई गई। आज उसका नतीजा है कि उनकी आज दर्दनाक हत्या की गई है। वी ऑल्सो हैव राजेंद्र गुड़ा विद अस, ही हैज बीन एट द प्रोटेस्ट साइट सिंस यस्टरडे। सर, जो लेटर्स वायरल हो रहे हैं सिक्योरिटी के लिए, बठिंडा जेल से भी एक लेटर वायरल हो रहा है, इंटेल के सारे लेटर्स वायरल हो रहे हैं, उसके बाद भी कुछ एक्शन लिया नहीं गया? इसीलिए जुडिशियल इंक्वायरी मांग रहे हैं, न्यायिक जांच। हाई कोर्ट के वर्तमान जज से न्यायिक जांच मांग रहे, और इसमें जिसने सिक्योरिटी के अंदर कोताही की, सिक्योरिटी देख के जिसके आदेश से वापिस छीनी गई, वो उसके खिलाफ 120B का मुकदमा दर्ज हो 302 के साथ। वो इसके अंदर निश्चित रूप से वो बड़े नेता हैं इसके अंदर शामिल, और बड़े इसके अंदर अधिकारी शामिल हैं। मैंने खुद ने एडीजी क्राइम से बात की थी, रवि मेहडा से बात की थी मैंने, और एक आदमी के लिए पहले कहा था मैंने, प्रदीप के स्वामी के लिए, उसका मर्डर हुआ, वो अजय जैतपुरा का गवाह था। सिक्योरिटी देने के बाद सिक्योरिटी नहीं थी उसको, उसकी सिक्योरिटी देने के बाद वापिस छीनी, उसका मर्डर हुआ। सुखदेव सिंह को सिक्योरिटी दी के वापिस ली, उसका मर्डर हुआ। बार बार गणेश जुडिशियल इंक्वायरी चाहते हैं। सर, सिक्योरिटी नहीं दी गई, आचार जो हथियार है वो जब्त कर लिए गए, जो बंदे खड़े थे उसका फिर मतलब क्या हुआ? ये जो आदमी सुखदेव सिंह की जो हत्या हुई है, उसका अवसर, हत्या करने वालों को अवसर हमारी सरकार ने दिया है। आपने अपनी जान को भी खतरा बताया था जब विधानसभा के बाहर आपने एक स्टेटमेंट दिया था। देखिए साहब, वो तो अब मैं आपको बताऊं, ये अब हमने फैसला कर लिया है, हम इन सरकारों से कोई सुरक्षा नहीं मांगेंगे, हम हमारे फैसले करेंगे। या तो इन अपराधियों का इलाज हो जाए, नहीं ऐसा नेटवर्क हम भी खड़ा करेंगे। गवर्नर हाउस घेरने की बात कर रहे हैं सर? हाँ, करेंगे। This was Rajendra Singh Gudda who was saying that even after demanding a lot of security, a lot many times, even after speaking to. All right, Bhavar and Gajraj, for the moment, we're taking a very short break, but stay on with us. We'll come back to you for more reactions on multiple protests that are underway across Rajasthan after the killing of Karni Sena Chief.